जरा पहचान तो कर ले खड़ा, ये पापा तुम्हारा जरा पहचान, याद में देती बहाता आंसू धारा। मंत्री विक्रम सिंह की, मंत्री साहब अमर रहे, मंत्री साहब अमर रहे, मंत्री साहब मर रहे, मंत्री साहब मर रहे। चाहे तो खड़ा नहीं, मंत्री साहब, चाहे तो हरा भी बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिहारी लाल, जय हिंद। से बताओ बाबू, तुम दोनों लोग इधर आओ, ये बताओ। गली गली में झाड़ू है मंत्री साहब, ये जो जयकारा तुम लोगों ने लगाया है, ये कितने दिनों से जयकारा लगा रहे हो? सर बहुत दिनों से हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत दिनों से लगा रहे हो जी बाबू साहब। अच्छा ये बताओ जी सर, कि तुम्हारी दोनों की नजरों में जी क्या ये मंत्री विक्रम सिंह मर गया है? जिंदा लोगों का जयकारा जय बोला जाता है, और तो इस देश के लिए अपने प्राण गवा दिए यानी कि मर गए, उनको अमर रहे बोला जाता है। और तुम लोग तो कह रहे हो मंत्री साहब अमर रहे, फिर क्या कह रहे हो मर रहे।
आज भरे दरबार तुम लोगों ने क्या देखा और क्या सुना? बाबू साहब पूछ रहे हैं आज राज दरबार में क्या देखा। राज दरबार में क्या देखा? राज दरबार में यही देखा कि तोहार बाबू जिंदगी ध्यान दो। अब तुम खाली लाओ और ले जाओ रुपया खर्चा निकाल के दिए। अब तो कहा लो इसे बाबू साहब बचे वही लाके हैं। कह रहे कहना क्या चाहते हो? क्यों कम से कम दलील में रही सच कहते हो? वैसे महाराज बलराज सिंह ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। आज भरे दरबार महाराज ने मुझे उस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, और जब मैंने महाराज से कहा कि मैं इस राज का मंत्री हूं, ये तो छोटा काम ये नौकर लोग कर सकते हैं, तो महाराज ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, हमारे बच्चे को कॉलेज तक ले जाओगे और कॉलेज से महल लेकर आओगे। समझ रखा महाराज ने? मुझे चपरासी समझ रखा है। वैसे चपरासी देखते हो? कहाँ रे, कहाँ जा रहा है? नहीं मार हुआ तो मारे हो दम हुए तो आके मार के दिखाओ। क्यों हुआ तो मार ही ले साले, हम अगर नीचे आ गए तो साले पटक के मारूंगा। अगर हुआ मार लियो मेहरियन के बीच में मार के दिखाओ। हाय 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 बाबू, साला औरतों का सहारा ले रहा है। हुआ ना जाओ नहीं लौंडे तो होगा निहुरा के पहले हैं भी। कही थे हुआ तो मार ही लियो दम हुए तो मेहरियन के बीच माओ। साले चले आओ हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और वहां साले औरतों के पास रहोगे साले चप्पलों से मारे जाओगे। अगर हिया आयो अगर हिया आयो तो मेहरिया का हुलसा दी ना। अच्छा तो वह बेलना वह चिमटा वह फुकना। और तुम कहा जाना था? हम पंचन का अल्लू पंचू समझो। जितनी बड़ी तुम्हारी हवेली है उतनी बड़ी तुम्हारा लैटरिन खाना है। भूखन मरे तो ये मरे, हमारे पचासन भट्ठा चल रहे हैं। अच्छा ईटा ये कम नहीं करती। पचासों भट्ठा चल रहे हैं और इनका एक में भी नहीं निकलता। पचासन पचासन भी कहा का पुदीना तो हमारे छपरा मजूरा है। बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है तुम्हें हम नहीं मारेंगे, तुम यहाँ आओ तुमसे बात करेंगे। ऐसे ना माना ऐसे जा तो ये सार पेली हमका। पहले कसम खाओ कि यहाँ आई हो तो तुमका ना मारब। तुम यहाँ आओगे तो हम तुमको नहीं मारेंगे। ना ही कसम खाओ कह दियो अगर ही आई हो तो हम तुमका ना मारब, अगर हम मारी तो हम दुई बाप के। साला हरामखोर, बहुत मारूंगा अगर बदतमीजी से फंसाओगे तो। ठीक हम जाई जाए। और अगर तुम साले जाओगे बंदूक जरा उठाना हमारी। बंदूकन से न डराओ, हम रोज गोली खाए के पानी पी थे। और अगर तुम साले नहीं आओगे
तो अगर घूम कर चलोगे तो साले वो गोली मारूंगा। अगर कौने बुढ़ी हिवा के लागे तुम्हारी मौत है तो फिर मरने के लिए साले तैयार हो जाओ। हम आई बे लेकिन कसम खाओ। कौन सी कसम? कसम या खाओ कि हम मारी तो हम दुई बाप के आए। साले तुम चार बाप के हो गए इसलिए दूसरे को बोलते। हम तुम्हें समझाएंगे इधर आओ। ऐसे नहीं भाई। नहीं आओगे तुम साले हम चाहे तो पकड़ कर लाओ साले को। हुआ आई तो ये मारी ही ना मारी यार इहल तुम ना हमार लगे आओ कसम ना खाई है हमार लगे आई है यार बाबू सामने तुम यार ही आई है तो हम समझा दे बाबू साला भी आप फोड़ दिया था। अरे तुमको बहुत मारेंगे। लड़ो जाएगा तो मन नहीं हुआ तो मुझे बुलावत है मरी हो तो ना एक कौनो भरोसा नहीं सर। ठीक है जाए थे क्यों रे? कौन सी कसम दिला रहा था? हम तो बाप के। साले तुम कै बाप के हो? कितने बाप के हो? फिलहाल तुम्हारी माँ के कितने पति हैं? हाँ याद रखो बदतमीजी से पेश आओगे तो साले उतारूंगा जूता और 500 जूते मारूंगा औकात में आ जाओगे क्योंकि मेरा नाम मंत्री विक्रम सिंह है और विक्रम सिंह के नाम से हर एक बशर कांपता है बच्चा बच्चा कांपता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जाओ बच्चे सो जा। अगर बच्चा रोता है हाँ। तो माँ कहती है कि बच्चे सो जा हाँ। नहीं तो साला भेड़ा आ जाएगा। साले हम भेड़ा अबे हराम जादो माँ कहती है कि बच्चे सो जा नहीं तो ठाकुर विक्रम सिंह आ जाएगा और हमारे नाम से बच्चा रोना भूल जाता है और तुम शमशान घाट के मुर्दो औकात में आ जाओ। महाराज बलराज सिंह अगर तुमने मेरा अभिमान किया है तो देखना एक दिन ये राज ये विक्रम सिंह हासिल करके छोड़ेगा। इस राज का मैं राजा बनकर रहूंगा और तेरे स्वर्ग जैसे परिवार को नर्क बना दूंगा। लाओ हमारी बंदूक क्योंकि हमें एडमिशन करवाना है महाराज के पुत्र का तो कोई काम नहीं है मुश्किल और जबकि आई रहा पक्का कि मैं हूं आ
आदमी सड़क का मैं हूँ, आदमी सड़क का कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी। चोर साला बताओ यार, हे साला कहा था इसी गोली मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा, अभी नहीं सुबह बताऊंगा। ये साला अभी कर रात भर सोचा जाए कौन जगह है साला, ताड़े है नहीं मार दे गोली घुस जाए पता ही न चले यार। लेकिन से देखियो सर कितना बड़ा प्लान बना इस। लेकिन एक बात और है बच्चा, का जब गोली घुसी तो सहराई जरूर, तब पता चले कि गोली घुस रही है। चलो चलते हैं, चलो। और कहना क्या है मास्टर, चलते चलते क्या कहना है? अरे कच्चा सिला दिया तूने मेरे नाप का, फिल्म वालों ने गाया अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का, यार नहीं नाप लिया सिला पापा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का, यार नहीं नाप लिया सिला पापा। दोस्तों, हम इसी कालू नगर के रहने वाले हैं और हमें लोग ठाकुर गजराज सिंह के नाम से जानते हैं। गजराज सिंह के परिवार में चार सदस्य रहते हैं। पहला सदस्य मेरी पत्नी शांति और दूसरा सदस्य मेरा बेटा राजेंद्र और तीसरा सदस्य मेरी बेटी सालू और चौथा सदस्य स्वयं ठाकुर गजराज सिंह। ऊपर वाले ने तो गजराज सिंह को सब कुछ सौंप रखा है, तत्व और ताज दुनिया का मालो खजाना ऊपर वाले ने हमें सौंप रखा है। लेकिन गजराज सिंह को अफसोस सिर्फ एक बात का रहता है कि एक मेरी बेटी सालू जो कि दिन प्रतिदिन सयानी होती जा रही है, उसका रिश्ता जब किसी के पास लेकर के जाता हूं तो घर मिलता है तो वर नहीं मिलता है, और वर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। बस इसी बात से गजराज सिंह परेशान रहता है। छोटू इस हमारी कालू नगर के समाचार सब ठीक है या नहीं ठीक है?
ठाकुर साहब, हमारी कालू नगर की प्रजा को कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है? ठाकुर साहब, आपकी इस राज के प्रजा बिल्कुल खुशहाल है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, सब दूध भात खा रही है मालिक। शाबाश, प्रजा हमारी खुशहाल ही नजर आनी चाहिए, क्योंकि प्रजा के आंखों में आंसू गजराज से कभी देख नहीं सकता है। हमारी प्रजा के आंखों में आंसू आए तो गजराज सिंह के जीने का सौभार धिकार है। एक काम करो जी ठाकुर साहब, जाओ राज हवेली में जाओ और जाकर के देखो हमारी ठाकुराइन शांति अपने शयन कक्ष में बैठ करके आराम करती होगी। जाओ और जाकर के बोल दो कि ठाकुर साहब ने तुम्हें हवेली में याद किया है। हम जाते हैं, हम अब ठाकुराइन साहब को लेकर आते हैं। प्राणनाथ क्या कहना चाहते हैं? और मैं आपको कहना चाहती हूं प्रिय, क्या कहना चाहती हो? कि आपका चेहरा इतना उदास है, इतना मुझको बताओ मेरे प्राणनाथ, जब जब देखती हूँ आपका चेहरा हरा भरा खुशहाल नजर आता है, ताकि आज आपका चेहरा उदास क्यों हुआ? छोटू, एक काम करो, सबसे पहले हवेली से एक चेयर लेकर के आओ।